भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता से दृढ़ कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, अनुशासित रहो और उठो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति का दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार से अपूर्ण जिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो मृत्यु के समय मुझे श्रवण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संयम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, न कि उसके फल पर। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन का को सफल बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसने भी संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल का हो या आने वाले काल का। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य को। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लालसा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो हमेशा मेरा श्रवण या एक चित मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व होता हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है, और लगातार तुम्हें बस एक साधन के की प्रयोग कर के सभी कार्य कर रही है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा समय होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर विज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, सभी कार्य ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, आपके सर्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ, न मध्य, न अंत दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसी जंग लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा का अस्तित्व अविनाशी और अनंत है, केवल भौतिक शरीर तथात्मक रूप से खराब है, इसलिए हे अर्जुन डटे रहें। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना कोई अधिक प्रिय है। जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं।
भगवान कृष्ण जी कहते हैं किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम खुद करें भले ही उसे अपूर्ण करना पड़े। भगवान कृष्ण जी कहते हैं सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। भगवान कृष्ण जी कहते हैं भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिनके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो और जो अपने खुद की आत्मा से को सही मानने मायने में जानता हो। भगवान कृष्ण जी कहते हैं जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो परिहार्य है उस पर शोक मत करो। भगवान कृष्ण जी कहते हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। भगवान कृष्ण जी कहते जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। भगवान कृष्ण जी कहते दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती तथा जिसके मन में राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं, वह जो अपमान देता है जन समुदाय उसी का अनुसरण करता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अच्छे लोगों की रक्षा और दुष्टों का पतन और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं हम जो देखते हैं वो हम हैं और हम जो हैं हम उसी को निहारते हैं, इसलिए जीवन से हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखें और सोचें। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन विषम परिस्थितियों में कार्यता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है, ना तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही इससे कीर्ति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं यह बड़े ही शोक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठते हैं तथा राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वयंजनों का नाश करने को तैयार हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में मैं समय हूँ सबका नाशक, मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और उनकी और सन्यासियों का आत्म संयम मैं हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं मेरी कृपा से कोई सभी व्यक्तियों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह ना कभी था ना कभी होगा, जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना व्यर्थ होता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं शैवाल से भरा कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा, अपने जीवन में शैवाल को दूर रखें बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। भगवान कृष्ण जी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में हो सकता है।
भगवान कृष्ण जी कहते हैं मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक ऐस पल योगी का पुनः एक पवित्र और संबंध कुटुंब में जन्म होता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्कर का अनुगमन करते रहते हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो गलत प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। भगवान कृष्ण जी कहते हैं मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमरतो भी हूँ और मैं मृत्यु भी हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवता का पूजन करते करें। भगवान कृष्ण जी कहते हैं मेरे लिए ना कोई घृणित है ना कोई प्रिय है किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं वह जो सभी इच्छाएँ त्याग देता है मैं और मेरी लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं जब वह अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं मुझे। भगवान कृष्ण जी कहते हैं यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं अनंत हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुँच चुके हैं उनका मार्ग है निसेवा क्रम। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। भगवान कृष्ण जी कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज अलावत यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।